और जयपुर ग्रेटर नगर निगम से खबर है, इसी की बैठक से पहले महापौर पार्षदों की बैठक ले रही है। निगम के सभागार में दोनों दलों के पार्षदों के साथ ये बैठक है और इसी की बैठक में रखे गए 30 एजेंडों पर चर्चा होगी। इस बैठक में कल ग्रेटर निगम में सुबह 11 बजे इसी की बैठक होगी, लेकिन उस बैठक से पहले यह अहम बैठक पार्षदों के साथ महापौर की। निगम के सभागार में दोनों दलों के पार्षदों के साथ ये बैठक जारी है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम से इस वक्त की बड़ी खबर, कल ग्रेटर निगम में सुबह 11 बजे ईसी की बैठक होगी, लेकिन ईसी की बैठक से पहले महापौर पार्षदों की बैठक ले रही हैं। और इसमें जैसा कि तस्वीरें भी देख सकते हैं, निगम के सभागार में दोनों दलों के पार्षद मौजूद हैं, उनके साथ बैठक का दौर जारी है। और चलिए इस समय तक भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, ईसी की बैठक कल होगी 11 बजे, लेकिन उससे पहले पार्षदों की साथ बैठक महापौर की, क्या अभी भी ये बैठक जारी है? फिलहाल क्या अपडेट इस बैठक को लेकर? देखिए, कल ग्रेटर नगर निगम में ईसी की बैठक यहाँ पर होने वाली है और ईसी की बैठक से पहले जितने भी जो बैठक में एजेंडे हैं, 31 एजेंडे ईसी की बैठक में शामिल होने वाले हैं। कल सुबह निगम के सभागार में 11 बजे से ईसी की बैठक शामिल होगी। उससे पूर्व ग्रेटर नगर निगम की जो महापौर है सौम्या गुर्जर, वो निगम के सभागार में दोनों ही दलों की जो पार्षदों के साथ ईसी की बैठक में जो एजेंडे यहाँ पर आए थे उनको लेकर चर्चा कर रही है। सबसे बड़ी बात यह कि ईसी की बैठक में जो जनता से जुड़े जो मुद्दे होने चाहिए थे वो इसमें नहीं है, तो इसको लेकर पार्षदों ने थोड़ी नाराजगी यहाँ पर जताई थी। तो उसको लेकर आज जो बैठक इसमें हो रही है, उसमें जो मुद्दे यहाँ पर इसी की बैठक में शामिल किए जाने चाहिए उनको लेकर पार्षदों से अहम चर्चा है, वो महापौर सौम्या गुर्जर फिलहाल करती हुई नजर आ रही है। और करीब एक घंटे तक ये जो बैठक है ईसी की बैठक से पूर्व वो यहाँ तक चलेगी, और जिसमें जैसे कि पहले भी पार्षद आरोप लगा रहे थे कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर काम यहाँ पर नहीं हो पा रहे, विकास के काम यहाँ पर नहीं हो पा रहे, लाइट यहाँ पर नहीं लग पा रही है, तो तमाम ऐसे मुद्दे आज जो चर्चा में निकल कर आएंगे, हो सकता है कि कल को उनको एडिशनल एजेंडे के रूप में कल ईसी की बैठक में शामिल कर लिया जाए। जी बिल्कुल। तो ये बैठक अभी कब तक चलेगी भारत, इसे लेकर कोई संभावना, कितना वक्त लगेगा इसमें? देखिए, इस बैठक में दोनों ही दल, बात की जाए बीजेपी की, कांग्रेस के तमाम जो पार्षद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में ये बैठक है, ईसी की बैठक से पहले यहाँ पर चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी पार्षदों से वन टू वन यहाँ पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि बात ईसी की बैठक जब होती है तो जनता से जुड़े मुद्दे ईसी की बैठक में होते हैं। तो इस ईसी की बैठक जो कल होने वाली है, इसमें 31 एजेंडों में से 30 एजेंडे ऐसे हैं जिनमें कहीं भी जनता से जुड़े हुए मुद्दों का जिक्र है वो यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में इस बैठक से पहले जो आज जो बैठक हो रही है उसमें यही कारण है कि जो पार्षद अपने सुझाव यहाँ पर देंगे कि कौन कौन से वार्डों में क्या काम नहीं हो पा रहा है, कितने विकास के कार्य होने चाहिए, कौन कौन से मुद्दे और ईसी की बैठक में एडिशनल के साथ जुड़ने चाहिए, तो उन मुद्दों को यहाँ पर लिया जाए। और कल जब ईसी की बैठक होगी तो उसमें एडिशनल रूप से उन मुद्दों, जो पार्षदों के द्वारा जो बताए गए मुद्दे हैं उनको यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो करीब एक घंटे तक ये बैठक है वो चलने वाली है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भारत आपका इस पूरी जानकारी के लिए।